कोरोना काल में लगभग 5 महीने के बाद जिम और योगा सेंटर्स खोल दिए गए। इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा गाइडलाइंस जारी की जिनका पालन करते हुए इन जिम्स को खोला जा सकेगा। जिम खुलने से जहां फिटनेस के शौकीन लोगों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं जिम ऑनर्स का भी कहना है कि कोरोना को हराने के लिए फिट रहना जरूरी है। कोरोना काल में तमाम तरह की गतिविधियां बंद हो गई थी। फिटनेस के शौकीन और जिमिंग करने वाले इस बात से परेशान थे कि जिम और योगा सेंटर बंद थे, लेकिन अब 5 महीने के इंतजार के बाद ये जिम खुलने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिम खुलने के फैसले से जिम मालिक भी बहुत खुश हैं। कल ही राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि आप जिम, फिटनेस सेंटर और योगा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। जिस गाइडलाइन के तहत उन्होंने जारी किए, वो हमने प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, जिसके कारण इस संक्रमण के दौर में सभी लोग सुरक्षित रहें और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। प्रशासन की तरफ से बकायदा गाइडलाइन जारी की गई है जिनका पालन करते हुए जिम खुलेंगे। इन नियमों का पालन नहीं करने पर जिम को बंद भी किया जा सकता है। आखिर क्या है ये गाइडलाइन, आइए आपको बताते हैं। एस जिम दफ्तर से लेनी होगी इसकी अनुमति। जिम खुलने और बंद होने का समय तय होगा। जिम में कितनी जगह है ये बताना होगा। एक वक्त में कितने लोग अंदर रहेंगे, एक्सरसाइज मशीन को साफ करना होगा, नियमित सैनिटाइजेशन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर मशीन के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी है। जिम में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग होगी। फ्लोर की डीप क्लीनिंग करना अनिवार्य होगा। सबसे पहली व्यवस्था जो की है, हमारे सभी सदस्यों से उनकी ट्रेवल हिस्ट्री, जिम आने पे उनके साथ में चीजें, सबसे पहले टेम्परेचर गन का व्यवस्था की गई है, जिससे उनके टेम्परेचर, साथ में उनके ऑक्सीजन लेवल क्या है, इसके पश्चात ही उनको एंट्री देगी। साथ में आउटसाइड शूज अलाउ नहीं रखें। पहले की तरह जिस तरह जिम संचालित हो रहा था, जिसमें हमने टाइम बाउंडेशन नहीं थी, उन सब चीज़ों को बाउंडेड किया गया है, जिसके कारण सभी लोग जिम और स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कर सकें, लेकिन सीमित समय के लिए। सर ने आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करने किया गया। राज्य सरकार द्वारा संचालित इन सभी चीजें, गतिविधि को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मिनिमम किसी भी पर्सन के बीच, ट्रेनी हो, ट्रेनर हो, सबके बीच 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। मशीनों को प्रॉपर तरीके सैनिटाइज किया गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। स्वस्थ रहकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। यही कारण है कि जिम खुलने से फिटनेस के दीवाने काफी खुश हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।